मनीषा रानी का फैंडम और मनीषा रानी के फैंस एक बहुत ही बड़ी अपील कर रहे हैं बार बार मनीषा रानी से। आखिर क्या वजह है और मनीषा रानी के फैंडम से अपील की जा रही है, माफी चाहता हूँ, आखिर क्या अपील है मनीषा रानी को लेकर और क्यों ये अपील वो लोग कर रहे हैं, आइए आपको देते हैं इस बारे में पूरी अपडेट। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फीफा फूज और मैं हूँ आपका अपना दोस्त और होस्ट गणेश कांदू। आपको बता दूं कि इस समय एक चीज जो कॉन्स्टेंट नजर आ रहा है हमको हर जगह पर, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो या कोई भी सोशल मीडिया साइट हो, मनीषा रानी हर जगह पर दिखाई दे रही है, छाई हुई लिटल ये बात कह सकते हैं। और जो प्यार उनको मिल रहा है बहुत अलग लेवल का है, लेकिन उसी के साथ साथ हम इसको भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं कि जिस तरीके से वो काम कर रही हैं, जिस तरीके से उनके प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जो वो दिन दूर नहीं है कि भाई जल्दी किसी मूवी में हमको देखने को मिले, क्योंकि ऑलरेडी अपना लुक टेस्ट देकर आ चुकी है वो। जो जवान के कास्टिंग डायरेक्टर रह चुके हैं उनको, यानी कि मुकेश छाबरा को, और लुक टेस्ट के बारे में अगर जब उनसे बातचीत की गई तो उनके चेहरे पर हंसी थी, तो ओवरऑल ऐसा लग रहा था और लोगों को ऐसा महसूस हो रहा था कि भाई शायद डन हो चुका है प्रोजेक्ट। लेकिन इसका अभी तक अनाउंसमेंट मनीषा रानी ने खुद नहीं किया है, तो उस चीज़ का थोड़ा सा इंतजार हमको करना पड़ेगा। लेकिन इस समय मनीषा रानी के फैंस जो हैं भाई, उनको जब कल अभिषा का वीडियो आउट हुआ तो ट्विटर पर ट्रेंड तो करवा ही रहे थे, लेकिन उसी के साथ साथ एक चीज़ ऐसी हुई जिस पर शायद बहुत सारे लोगों की नज़र ना गई हो। मनीषा रानी का खुद का भी पर्सनल यूट्यूब चैनल है, आपको पता हो भाई, बहुत उन्होंने बीच में एक दो वीडियो जो डाले बहुत हिट हुए, लेकिन उसमें दो वीडियो ऐसे हैं जो शायद हिट नहीं हुए, घर वाले हुए इमोशनल एक वीडियो है, और एक वीडियो जब इन्होंने रिसेंटली डाला नजर ना लगेगा BTS, उस वीडियो पे दोनों पे भी 1 मिलियन प्लस व्यूज तक नहीं हुए हैं भाई, 813 या एक पे 813 के व्यूज हैं और एक पे को 717 या 800 के आसपास ही व्यूज है दोबारा से। तो दोनों ही वीडियो के लिए अपील की जा रही है, ऐसा कहा जा रहा है मनीषा रानी के फैंस को कि भाई इसको 1 मिलियन तक कंप्लीट करवाओ, उस वीडियो को पूरा, आप लोगों से यही विनती। और बार बार मतलब बोलते हैं ना कि उसको उसका स्क्रीनशॉट बहुत ज्यादा शेयर किया जा रहा है समय ट्विटर पे। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है हमें जरूर बताएगा हमारे कमेंट सेक्शन में, देखकर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, धन्यवाद।